अगर दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं करी गई है। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस को शामिल कर रहे हैं तो आखिर हमें वो टर्म इंश्योरेंस कितना कवर करना चाहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनेट व्यूअर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनेट व्यूअर चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कितना टर्म इंश्योरेंस कवर चाहिए। आप लोगों को अगर एजेंट से बात करें होंगे, जो इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट हैं और जो टर्म इंश्योरेंस आप लोगों को बेच रहे हैं, वो आप लोगों को कहते हुए फिरेंगे कि हमें अपनी एनुअल इनकम का 8 गुना या फिर 10 गुना या फिर आप लोगों की जो मंथली इनकम आ रही है उसका आप लोगों को 200 गुना, 250 गुना, 100 गुना इतना आप लोगों को कवर करना चाहिए आप लोगों का टर्म इंश्योरेंस। तो आप लोगों को अपने से क्वेश्चन पूछना है, क्या ये भाई सही बता रहा है? क्या आप लोगों को ये बताएगा कि आप लोगों को कितना खाना चाहिए? आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग कितनी रोटियां, कितना चावल या फिर कितना आप लोग खा सकते हैं, वो कैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। तो टर्म इंश्योरेंस को पहले आप लोग समझिए, जो लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस ये आप लोगों का कोई भी मैच्योरिटी लेकर के नहीं आता, लेकिन आप लोगों के ना होने के बाद आप लोगों की फैमिली को एक अच्छा कवरेज देकर के चला जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग अपना लिए सालाना 4,000 रुपए अपनी फैमिली के लिए बचा सकते हैं, 1 करोड़ तक का कवर उनको आराम से मिल जाएगा। कई सारी ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि आप लोगों का 4 से 4,500 में एक बढ़िया कवर दे देती हैं आप लोगों की फैमिली को, आप लोगों के ना होने के बाद। मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो से बात करूंगा कि आप लोग अगर टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब दोस्तों, फाइनली बात आती है कि आप लोगों को कितने टर्म इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने 3 चीजें रखना चाहूंगा, इसको इवैल्यूएट करके आप लोग अपने कॉपी पन्ने पे लिख लीजिए। पहली चीज कि आप लोगों के ऊपर कर्ज कितना है या फिर कर्ज कितना हो सकता है, आप लोग कितना कर्ज आगे लेने वाले हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों के मंथली खर्चे कितने हैं, ध्यान रखिएगा मंथली इनकम नहीं कह रहा हूं मैं, मंथली खर्चे कह रहा हूं कि वो कितने हैं। आप लोग इसको 40 से 50 हजार रुपए लिख करके रख सकते हैं या फिर आप लोगों का 10,000 हो, 20,000 हो। अगर आप लोग घर के कमाऊ एक सदस्य हैं तो आप लोगों का मंथली खर्चा 40 से 50 हजार रुपए अप्रोक्स आ सकता है। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में, यानी कि आप लोगों की जो महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से मंथली खर्चे कितने हो सकते हैं। तो आप लोग आइडियली 50,000 रुपए मान करके चल सकते हैं, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। अब तीसरा दोस्तों कि आप लोगों का सालाना इनकम कितना है। सालाना इनकम हो सकता है 5 लाख रुपए, हो सकता है 10 लाख रुपए। अगर आप लोगों की 10 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है तो उसे आप लोग कंसीडर मत कीजिएगा, मैक्सिमम आप लोग 10 लाख रुपए कंसीडर कीजिएगा, जो कि एक राइट होता है, जो एक आइडियल होता है अगर हम लोग सालाना इनकम की बात करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों नोट डाउन आप लोग कर लीजिए और तीनों लिखने के बाद अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां पे सबसे पहली चीज दोस्तों, जो आप लोगों के कर्ज होने वाले हैं या फिर आप लोगों ने कर्ज जो ले लिए हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों ने होम लोन लिया है तो 30 से 40 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए होम लोन हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां मानता हूं कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए का कर्ज है और उसको आप लोगों को चुकाना है या फिर आप लोग आगे चल करके होम लोन या फिर किसी भी तरह का लोन लेने वाले हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों, आप लोगों का मंथली एक्सपेंस जो मैंने कहा था वो मैं मान लेता हूं आप लोगों का और मेरा 50,000 रुपए है, जो कि मेरे मंथली खर्चे निकल करके आ जाते हैं, वो राशन के हो गए या फिर अदर जो भी छोटी मोटी मेडिकल हेल्थ इशू होती है उसके मिला करके मुझे लगभग 50,000 रुपए महीने के खर्च हो जाते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे मंथली खर्चों को कैलकुलेट कर लिया, आप उससे 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 300 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों 50,000 की इनकम आप लोगों की लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आ गई, अगर आप लोग 300 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वहां मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की सालाना इनकम जो है उसका 5 गुना आप लोगों को करना है। जैसे कि अगर आप लोगों की 10 लाख रुपए सालाना इनकम है तो उसका आप लोग 5 गुना कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का 5 लाख है या फिर उससे कम है तो आप लोग उसका 5 गुना कर सकते हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं आइडियली जो लोग हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आइडियली हम लोग 5 लाख रुपए सालाना कमा ही लेते हैं। तो 5 लाख रुपए यहाँ पे आप लोग अपने लिए रख सकते हैं उसका 5 गुना करके, यानी कि 25 लाख रुपए। अब इन तीनों को जो कैलकुलेट करके ऑप्शन आएगा दोस्तों, वो आप लोगों का कैलकुलेशन अमाउंट आप लोगों का कवरेज होगा जो कि आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस में खरीदना है। जैसे कि इस कवरेज में आप लोगों का 1.5 करोड़ प्लस यहाँ पे आप लोगों का
50 लाख रुपए ये यानी कि 2 करोड़ रुपए हो गए, और यहाँ पे आप लोगों का 25 लाख रुपए यानी कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए आप लोगों का कवरेज होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं कर लेना है कि 2 करोड़ 25 लाख है, 2 करोड़ 25 लाख का ही मैं कवरेज लूंगा। आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों का 2 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो आप लोगों को 2.5 करोड़ के पास जाना चाहिए आप लोगों के इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए। और वहीं पे 2 करोड़ से नीचे आ रहा है, जैसे कि 1.8 करोड़ आ रहा है, 1.9 करोड़ आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 करोड़ का कवरेज लेना है। यानी कि आप लोगों को कितना भी अमाउंट आए, जैसे कि आप लोगों का 50 लाख आ रहा है तो आप लोग 1 करोड़ ले सकते हैं, अगर आप लोगों का 1 करोड़ 10 आ रहा है तो 1.5 करोड़ ले सकते हैं, अगर आप लोगों का 1.80 आ रहा है, 1.90 आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे 2 करोड़ के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिएगा और अपने लिए सही तरीके से टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लीजिएगा। कई बार दोस्तों यहाँ पे आइडियली माना जाता है कि हमें 1 करोड़ का कवर लेना है, और यही आप लोगों की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है यही चल रही है कि 1 करोड़ का कवर 12 रुपए महीने, 13 रुपए महीने, या फिर आप लोगों की डेली सेविंग सॉरी, और यहाँ पे 400 रुपए, 300 रुपए। तो इन सब चीजों से आप लोग बचिए, आप लोग अपना कैलकुलेट कीजिए कि आप लोगों को एक्चुअल में कितनी कवरेज की जरूरत है और आप लोगों की फैमिली किस तरह से आराम से सर्वाइव कर सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें अपनी टर्म इंश्योरेंस की फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की, जो अगर आप लोग टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। बाकी ये वीडियो और फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं दोस्तों, अगर वो खास करके घर के अकेले कमाऊ सदस्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।